तो गाइस ये है मेरे चैनल की पहली मंचूरियन की रेसिपी और ये है गोभी मंचूरियन। जी हाँ, गोभी से भी हम मंचूरियन बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्त वाले वे में। सबसे पहले एक गोभी का छोटा सा आपने फूल लेना है, एक्चुअली ये छोटा तो नहीं मीडियम है, इसके नीचे वाला हमने पार्ट नहीं लेना है। अब हमने गोभी को अलग अलग ऐसे डिवाइड कर देना है छोटे छोटे हिस्सों में। अब पानी में लगभग 4 से 5 कप पानी है, अब इसमें हमने डालना है 1 चम्मच नमक। इसे अच्छे से मिक्स करें, पानी हमारा गर्म होना चाहिए, उसके बाद में इसमें अपनी गोभी डाल देते हैं। अब बॉयल आने तक वेट करते हैं, बॉयल जैसे ही आ जाता है अब हम इसे निकाल लेते हैं अपनी गोभी को। इजी लग रहा है ना? सही में इजी है। ये देखिए गोभी को अब मैंने अपना निकाल लिया, अब हम इसे रख देते हैं साइड में। अब लेते हैं 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 3 चम्मच मैदा, आधा चम्मच नमक, जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगभग 1 चम्मच, यानी कि अब मैं टीस्पून की बातें कर रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, अब इसका एक गाढ़ा सा हमने पेस्ट तैयार करना है। ये देखिए अब इसका गाढ़ा पेस्ट है, अब इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के अब इसे थोड़ा सा लिक्विडी करेंगे। कितना लिक्विडी, कंसिस्टेंसी ध्यान से देखें, ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी, तारों के बीच में से भी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, एकदम वाटर लाइक हमने नहीं करना है। अब हमने इसमें अपनी गोभी डालनी है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऊपर से डालते हैं और 1 चम्मच मैदा। अब इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद में कुछ आपको ऐसा वाला देखने को मिलेगा। जी हाँ, एकदम पकोड़े वाला बैटर इसका बन चुका है, एकदम मस्त वाला। ठीक है, अब हमने इसे फ्राई करना है। सबसे पहले हमारा तेल गर्म होना चाहिए, उसके बाद में अपनी लो फ्लेम आपने कर देनी है। लो फ्लेम करके ही हम कोई भी चीज़ को फ्राई करते हैं, क्यों, जब हम उसमें डालते हैं तेल में तो, ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ नहीं जले। अब उसके बाद में आप अपनी फ्लेम को हाई कर दें और अब इसे थोड़ा बहुत आपने हिलाते हुए इसे पका लें। ये आपस में अगर सट भी रही है तो कोई भी टेंशन नहीं है, बाद में हम इसे अलग करेंगे, हमने इसे डबल फ्राई करना है। अब इसे निकाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं, गोल्डन होने तक बस हमने पकाना है। अब आपने तेल को एकदम हॉट एकदम आपने करना है, एकदम गर्म जब आपका तेल हो जाएगा ना तब हमारा आगे का प्रोसीजर होगा। अब ये हमारा एक बार जो हमने फ्राई किया था अब एकदम गर्मा गर्म तेल में अब हमने इसे डाल दिया। ये एक्चुअली मैंने 2 बार में फ्राई की थी अपनी टोटल गोभी, आप भी 2 या 3 बार में कर सकते हो। ये देखिए अभी एकदम लाल अब हो चुकी, अब हम इसे निकाल लेते हैं, अब एकदम क्रंची है अभी ये। और अब मैंने इसे रखा हुआ ऐसे छेद वाले बर्तन में, छेद वाला ऐसे जो पतीला जो आता है, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे एकदम ये क्रंची ही रहेगी और इसकी जितनी भी एयर है वो निकलती रहेगी। अब एक कढ़ाई लेते हैं लोहे की, एकदम गर्मा गर्म कढ़ाई में ठंडा हमने तेल इसमें डालना है, लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच तेल को अच्छे से फैला देना है कढ़ाई में। फैलाने से क्या होगा, अब हमारा कोई भी सामान इसमें चिपकेगा नहीं। अब हमने इसके अंदर में डालना है लहसुन फाइन चॉप किया हुआ है, 3 बड़े चम्मच है। अब इसे हमने 30 सेकेंड पकाना है, उसके बाद में इसके अंदर ग्रीन चिल्ली और साथ में ही हमने फाइन चॉप किया हुआ छोटा सा अनियन, आधी शिमला मिर्च फाइन चॉप की हुई इसमें डालेंगे, आधा मिनट यानी कि 30 सेकेंड इसे भी अब हमने पकाना है। जी हाँ, सिर्फ 30 सेकेंड। अब उसके बाद में इसमें डालेंगे नमक 1/2 चम्मच, बाकी टेस्ट के अनुसार आप एक बार चेक कर ले ग्रेवी को। अब हमने अपने नमक को चलाना है, उसके बाद में इसमें डालते हैं 1 चम्मच सोया सॉस, रेड चिल्ली वाली सॉस इसमें मैंने डाली है 1 चम्मच, 2 चम्मच टोमेटो केचप, टोमेटो केचप कोई भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से हमने करना है मिक्स, और मिक्स करते करते अपनी हाई फ्लेम आपने कर देनी है। हाई फ्लेम करने से क्या होगा, जो हमारी सॉस है वो अच्छे से पकेगी। ये देखिए अब हमारी सॉस अच्छे से खोल रही है, हमें यही वाले बॉयलिंग स्टेज पर है, बॉयलिंग स्टेज पर अब हमने इसमें डाल देना है पानी। कितना पानी डाला है, लगभग 1/4 कप अभी मैंने इसमें पानी डाला है, आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको ग्रेवी वाला मंचूरियन ज़्यादा पसंद है, मैं अभी ड्राई वाला बना रहा हूँ। अब इसमें मैंने डाली है स्लरी, स्लरी यानी कि कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच और 3 चम्मच पानी। अच्छे से अब हमने इसे चलाते हुए इसकी एक ग्रेवी टाइप की आ जाएगी और एकदम ग्लॉसी वाली इसमें आ जाएगी। ये देखिए अब इसके अंदर में ना शाइन आ गई है,
यही तो हमने लानी थी। बस दैट्स इट, हमारी अब ग्रेवी रेडी है। अब आप इसे एक बार टेस्ट कर ले। आप चाहे तो इसके अंदर में ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं अगर आप और ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद में अब हमने अपने गोभी वाले पकौड़े इसमें डालने हैं और इसे अब हमने मिक्स करना है। जस्ट मिक्सिंग 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 एंड हमारा मंचूरियन रेडी। ये देखिए अब हमारा मंचूरियन रेडी है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं और हम खाते हैं। बन गया ना अच्छा वाला मंचूरियन। बस इतना सा तो काम था। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एक बार इसे अपने घर पे ट्राई करें, मज़ा आ जाएगा।